हिंदू रक्षा सेना ने राजनीतिक दलों से संतों को टिकट देने की मांग की है। हिंदू रक्षा सेना के इस मांग पर समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि संतों की पावन भूमि हरिद्वार का सांसद कोई संत बने तो उसमें क्या दिक्कत है। आस्था के केंद्र हरिद्वार में हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने सभी राजनीतिक पार्टियों से चुनाव में संतों को टिकट देने की मांग की है। वहीं हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष की मांग का समर्थन करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हरिद्वार हमारी आस्था का केंद्र है, यदि कोई संत हरिद्वार का सांसद बनता है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं संतों की मांग का पूरी तरह समर्थन करता हूं और इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि देवभूमि का मुख्यमंत्री कोई साधु ही होना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और हरिद्वार हमारी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, तो अगर हरिद्वार का सांसद कोई साधु होता है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। मैं संतों की मांग का पूरी तरह समर्थन करता हूं और मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहता हूं कि हरिद्वार से सभी पार्टियां संतों को टिकट दें, जो जीतेगा वो हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करेगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।